न्यूक्लियर मुल्क के, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए। और अपने आप को बचाओ क्योंकि तारीख अब तुम्हें कुचल के आगे गुजर जाएगी, तारीख तुम्हें रोंग के गुजर जाएगी, जो तुम लोगों को धमकियां देते फिरते हो। यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं, और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है, हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार, हम उनसे लड़ सकते हैं। राफेल तैयारे जो है वो उन्होंने कैश दे के लिए, आपके पास खाने को चीज कोई नहीं। आप कौन सा मुल्क छोड़ा है जहां से आपने खैरात नहीं मांगी? कौन सा मुल्क ऐसा छोड़ा? आपको कोई मुल्क एक पैनी का कर्जा नहीं देना चाह रहा, आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, आपके दूसरे ममालिक में सफारत खानों में पैसे नहीं दिए जा रहे। TTP के लोगों ने हमला किया आज, जिनमें 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए और 4 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। अब आज आज अब उनके साथ कहां खड़े, वो अंदर घुस के मारने के लिए तैयार है। अब पोर्नोग्राफिक वीडियोस के जरिए मुल्क की मैशियत चलेगी बटी साहब, जब तनख्वाहों के पैसे नहीं तो यहाँ बैठ के उन्होंने सिर्फ कही काम रशिया से तेल नहीं लेंगे, हो सकता है अभी कुछ दिन और यहाँ बैठ के रशिया को 2-4 गालियां भी निकाल दिया जाते। और मुल्क में भूख है, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों को रोटी नहीं मिलती। 99% जो यहाँ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसमें एक इम्पोर्टेंट की जो है वो अमेरिकन के हाथ है। पाकिस्तान का नाम लें तो वो कहते हैं कि रोग स्टेट। रोहित भाई हुआ क्या है, देखिए जब कहते हैं ना, जब डूबते का तिनका सहारा, जब वो तिनका भी डूब जाए तो करेगा क्या। देखिए चाइना का नाम का चूरन बेच बेच के दुकान चला रहे थे। अब जो PLA की जो पिटाई और जो धुनाई हुई है, जिनको उनको धुना है तबीयत से, तब ये वीडियो वायरल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे मीडिया हाउसेस में वायरल हुआ, सब जगह ये वीडियो वायरल इतना हुआ है, किसी की धज्जियां उड़ गई है पब्लिक में, चिथड़े उड़ गए PLA के पब्लिक में, और चिथड़े उड़ चुके हैं चाइना के पब्लिक में। चाइना में आपने सन्नाटा देखा, ये जो वीडियो जब से आया सन्नाटा देखा, इनका ग्लोबल टाइम्स या कोई किसी की औकात नहीं है बोलते वीडियो नकली है, किसी ने नहीं बोला सन्नाटा। भाई ये सन्नाटा क्यों है, पोल पट्टी खुल गई है, फिर भेजते थे जहाज, फिर कश्मीर, फिर पैलेस्टाइन, फिर ग्रीस, टर्की, जब ये सारी चीजें अब खत्म होगी तो एंड में गाड़ी रुकी थी, जो 1 लाख चूरन बचा था दुकान में बेचने को, वो था चाइना। बचाएगा कौन? चाइना। टू फ्रंट वॉर कौन करेगा? चाइना। हथियार कौन देगा? चाइना। तोप किसकी? चाइना की। मिसाइल किसका? चाइना का। और पैसा कौन लगाएगा? चाइना। नौकरी कौन देगा? चाइना। सब तो चाइना। और हाँ, दुल्हे भी चाइना से आ रहे थे, बाय द वे दुल्हा नहीं आते चाइना से, केवल दुल्हे आते हैं। जब ये हालत हो रही थी रोहित भाई, अब जिस चाइना की ही पिटाई हो गई भाई, मेरे पब्लिक के लिए हो गई, दुनिया में आज एक चीज तो समझ आ गई सबको, चाइनीज बंदर, खिलौने वाला बंदर जो डमरू बजाता है ना ढोल, और चाइना PLA का सिपाही, दोनों की औकात सेम है, दोनों की बैटरी की जान नहीं है, इनको तो गुंडपा कहते ना, हल्का सा ठिकाना पिचक गए। अब ये वीडियो आए और हमारे कुछ भाइयों ने जो उनकी धुनाई और छटाई की है, तबियत से जो दे दे के मारा है रोहित भाई, ऐसे वीडियो पब्लिक, और ये पता है कि दबा जाते, गायब कर जाते, अपने सोशल मीडिया से हटाते, दुनिया की हर वेबसाइट ने चलाया, ताइवान ने इसको चलाया, ताइवान के मीडिया ने खूब चलाया, ये हांगकांग में वीडियो वायरल है, जहां ये US में वीडियो वायरल है, ये वीडियो वायरल कहां नहीं है, बेचारे पिटाई हुई PLA की तकलीफ हुई बिलावल को, जब बिलावल भुट्टो बोखरा गए, जब घेरे गए, जब परेशान हो गए, तो क्या बोल दिया, उल्टे सीधे बयान बोलने लगे। इसका मतलब क्या होता है, आपकी ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई आपकी जहादी मेंटेलिटी को दूर नहीं करती, ऑक्सफोर्ड से पढ़े ना, बड़े अमीर खानदान में पैदा हुए, दुनिया भर घुमा, इन्हें तो उर्दू भी लटक पटक के आती है, मतलब इनका उर्दू तो जैसे मतलब मानो लंगड़े आम हो, और इनको एक बार बताओ, ये दुनिया भर में पढ़ गए, बड़े रईस, इनका इनके नाना बड़े ओहदेदार, इनकी माँ बड़ी ओहदेदार, पिता बड़े ओहदेदार, खानदानी प्रॉपर्टी, देखिए पप्पू पप्पू ही होता, इधर हो इधर हो, पप्पू पप्पू ही रहता है, इधर ज्यादा फर्क नहीं पड़ती, और ये ऐसी ऐसा कॉम्बिनेशन है दुनिया देख रही है। देखिए पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए रोहित भाई, आप ये संग दिल ना हो, एंटरटेनमेंट हो, ये पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट के लोग हैं, ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स वाले नहीं है। अब इसका मतलब आपको क्या होगा, जहादी मेंटेलिटी जो है, जो वहाबी मेंटेलिटी, वो जाती नहीं, एक्सपोजर, एजुकेशन, सोशल डेमोक्रेसी, अच्छी तरबियत, अच्छा खानदान, पैसा, दुनिया घुमाओ, सब घुमो, पर जहां जहादी मेंटेलिटी आनी होती है वहां जहादी मेंटेलिटी आती है। जब आप ये अमेच्योरों को फॉरेन मिनिस्टर बनाओगे तो होगा क्या, डॉक्टर जयशंकर जब बिलावल भुट्टो पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले तो डॉक्टर जयशंकर ही काम कर रहे थे, एंड ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस, ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है। अब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी बन चुका है, और मजे की आपको बात बताऊं, शरीफ कुछ नहीं करेंगे, इनको लाइबिलिटी को रखेंगे। मुझे बताइए इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या बचा, इनका वर्चस्व क्या बचा, इनकी वक्त क्या बची, और ये जो मैडम है आज वाली, जब इन्हें लगा यार बिलावल TRP ले रहा मीडिया का, मैं क्यों पीछे हूं, उन्होंने कहा हम ना बम छोड़ देंगे तुम पे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। अब कुछ लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है 99% जो है कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसमें एक इंपॉर्टेंट की जो है वो अमेरिकन के हाथ है। जय हिंद दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह पाकिस्तान के मंत्री न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं हिंदुस्तान को, उनको पता है उनकी औकात क्या है, वो खाली धमकी दे सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, और इसी के चलते उन्हीं के मीडिया ने उनको आड़े हाथों लिया और आपने देखा किस तरीके से उनकी आलोचना करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।